दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ जानकारी लेना चाहता हूं, क्योंकि भैया इस वक्त मैं भी दिग्भ्रमित हो गया हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भैया कुछ लोगों की मैं तलाश कर रहा हूँ, वो मुझे मिल नहीं रहे मेरे भाई। आप लोगों को याद ही होगा दोस्तों कि जब बॉलीवुड के अंशक वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की बेहतरीन लाजवाब जबरदस्त फिल्म यानी कि भाई रनवे 34 जब सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, और ये फिल्म जब सिनेमा घरों में आकर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, कुछ दिग्भ्रमित करने वाले लोगों के चक्रव्यूह की वजह से, तो भाई हम तो निःशब्द हो गए थे उस वक्त, निःशब्द हो गए थे। और ये दिग्भ्रमित करने वाले जो ये चक्रव्यूह रचयिता थे ना, ये क्लैपिंग कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे रनवे 34 के फ्लॉप होने पर। उसके बाद फिर यही लोग जब अनसंग वॉरियर की एक और शानदार लाजवाब जबरदस्त फिल्म यानी कि थैंक गॉड सिनेमा घर में रिलीज हुई, तो भैया इस फिल्म के खिलाफ भी इन लोगों ने ऐसे चक्रव्यूह का रचना किया कि भैया इस चक्रव्यूह में ऑडियंस एक बार फिर से फंस गई और ये लोग फिर से बजा रहे थे। लेकिन भैया इन दोनों फिल्मों को लेकर आप लोगों को याद ही होगा कि मैं लगातार आप लोगों से कहता रहा कि भाई जब ये दोनों फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी और इन फिल्मों को जब जनता ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखेगी, तो भैया यही बात कहेगी कि भैया एक बेहतरीन फिल्म को सिनेमा घरों में देखने से हम चूक गए, यानी कि भाई कुछ मूर्खों ने मिलकर हमें मूर्ख बना दिया। लेकिन भैया जो मुहिम मैंने शुरू की थी इन दोनों फिल्मों की सच्चाई आप लोगों के सामने लाने की, भाई अथक मेहनत के बाद ऑडियंस ने ये बात मान लिया कि भाई अजय देवगन की तीसरी फिल्म को हम जरूर देखने जाएंगे सिनेमा घरों में, जिसका नाम है दृश्यम का पार्ट 2। और भाई ये फिल्म सिनेमा घरों में आकर रिलीज होते ही भैया धमाल मचाना शुरू कर दिया मेरे भाई, धमाल। और इस फिल्म की कामयाबी को देखने के बाद ये दिग्भ्रमित करने वाले, ये चक्रव्यूह की रचयिता करने वाले जो अद्भुत प्राणी है ना, ये गायब हो चुके हैं, कहीं जाकर अपने चेहरे को छुपा कर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि भैया थोड़ा सा लीड मिले हमें, थोड़ा सा ढील मिले, पब्लिक थोड़ी सी इस फिल्म की बुराई करे, इस फिल्म को पब्लिक बस नहीं देखने जाए सिनेमाघर में, फिर तो हम भैया अपने धंधे पर लग जाएंगे। इस बार ऐसा हम भी नहीं होने देंगे भाई। दृश्यम के पार्ट 2 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं और भैया 2 दिनों में ही इस फिल्म ने जो कमाई की है ना, जो फाड़ कमाई की है ना, इस फाड़ कमाई की वजह से कुछ लोगों की गई है। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहने की कोशिश की आप लोगों से। तो भैया चलिए इन लोगों की और हम लोग करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि भैया इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं और आज बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का तीसरा दिन है। और भाई इस फिल्म ने इन 2 दिनों में जिस तरह का कलेक्शन किया है बॉक्स ऑफिस पर, उसको देखने के बाद भैया उन लोगों के मुंह पर कालिक पुत गई है जो भैया इस फिल्म को लेकर ये नेगेटिविटी फैला रहे थे कि भाई ये भी एक रिमेक फिल्म है, रिमेक ही है, इसमें झूठ कहा है। लेकिन भाई ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हुई थी और ऑडियंस इस फिल्म को हिंदी में देखना चाह रही थी। हिंदी में ये फिल्म आई और ऑडियंस ने इस फिल्म को हाथों हाथ लिया और इसी वजह से इस फिल्म ने पहले ही दिन 15 करोड़ 38 लाख रुपए का बिजनेस कर डाला मेरे भाई, यानी कि 15 करोड़ 38 लाख रुपए का पहले दिन बिजनेस करते हुए ये फिल्म दूसरे दिन और जबरदस्त उछाल, यानी कि भैया 21 करोड़ 59 लाख रुपए का बिजनेस करते हुए इस फिल्म ने केवल 2 दिनों में ही इंडिया से अब तक जो बिजनेस कर लिया है वो आंकड़ा है 36 करोड़ 97 लाख रुपए का। तो पुत गई ना कालिक बेटे, पुत गई ना कालिक, और भी पोतता हूं, अभी और भी पोतता हूं, यानी कि भैया ये तो बात हो गई इस फिल्म के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट की। उसके बाद इस फिल्म को ओवरसीज में भी बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन मिला है मेरे भाई, यानी कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि ओवरसीज में इस फिल्म को 7,01,000 डॉलर का बिजनेस मिला है, यानी कि इंडियन करेंसी में बात करें तो 5 करोड़ 71 लाख रुपीज का बिजनेस इस फिल्म ने ओवरसीज से हासिल कर लिया है, यानी कि इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 2 दिनों में 49 करोड़ 22 लाख रुपीज का बिजनेस कर लिया है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म को लेकर बहुत जल्दी ही यह जानकारी हम आपको देंगे कि भाई हमारी मुहिम रंग लाई और यह फिल्म अपने बजट को निकालते हुए सुपर डुपर हिट घोषित हो चुकी है, यानी कि भैया इस फिल्म का बजट केवल 90 लाख रुपीज है और इस फिल्म को हिट होने के लिए
100 करोड़ का बिजनेस करना होगा, और भैया इस बिजनेस का तो आधा हिस्सा इसने पूरा कर लिया है वर्ल्ड वाइड, बहुत जल्दी ही ये बिजनेस भी हो जाएगा। यानी भैया आज को लेकर ये बात कही जा रही है कि ये फिल्म आज बहुत ही आसानी से 25 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने जा रही है। क्लैप बजाने वालों, अब तुम्हारे नाम पर हम बजाएंगे क्लैप। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।